हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिविल। दोस्तों, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, तो उसका एक कंपनी में इंटरव्यू है मुंबई की लोकेशन में। तो उस कंपनी में हाई राइज स्ट्रक्चर पे काम करते हैं वो लोग, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स पे काम करते हैं वो लोग। तो उसको उसके हिसाब से पर्सनल गाइडेंस चाहिए था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस कंपनी के लिए। तो मैंने एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाया, पहले उस कंपनी का सर्वे किया, उसके बाद एक लिस्ट बनाया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस कंपनी के लिए। तो मैंने सोचा, जब मैंने उसके लिए बनाया है, एक्चुअली उसको तो एक एक स्टेप पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ तो ये जरूर हो सकता है कि मैं आपको ये साझा कर दूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। टॉपिक्स बता दूंगा, हो सकता है आप उसको स्टडी खुद से कर सकते हो। और साथ ही साथ अभी उसका जल्दी ही आपको, जैसे उसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन तो हो जाएगा मुझे पता है, सिलेक्शन जैसे ही होता है मैं आपको उसका एक लाइक इंटरव्यू भी करके दिखा दूंगा कि उसने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, किस तरीके से वहाँ पे क्वालिफाई किया। क्योंकि डिज़ाइन इंजीनियर की पोजीशन अभी जूनियर डिज़ाइन इंजीनियर जो कि स्ट्रक्चरल फर्म है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना। तो दोस्तों, वहाँ पे नॉर्मल टॉपिक्स से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाई वी फाइंड शियर फोर्स। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्यों फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे, जो मैंने अभी एनालिसिस किया, सेस्मिक एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, डिजाइन बेस शियर है तो डिजाइन बेस शियर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, AH क्या होता है। मीन्स आपको पहला टॉपिक पढ़ना है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। दूसरा टॉपिक आपको उस ऐसी कंपनी जो कमर्शियल बिल्डिंग और हाई राइज स्ट्रक्चर बनाती है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको सेस्मिक एनालिसिस। तीसरा पढ़ना पड़ेगा विंड एनालिसिस, विंड किस तरीके से करते हैं 875 पार्ट 3 के अकॉर्डिंग, पूरा स्टेप बाय स्टेप कर डालो। सेस्मिक में एक चीज़ और ध्यान देना, सेस्मिक वो हाई राइज स्ट्रक्चर बनाती है, तो सेस्मिक ना केवल स्टैटिक बल्कि डायनेमिक एनालिसिस भी पूछेगा। तो सेस्मिक का डायनेमिक्स और स्टैटिक दोनों एनालिसिस पूछेगा। अब डायनेमिक में रिस्पॉन्स भी पढ़ के जाना है आपको और टाइम हिस्ट्री भी पढ़ के जाना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपका था वो विंड एनालिसिस था। चौथा क्वेश्चन आपको कंक्रीट की अलग अलग प्रॉपर्टीज से हो सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज इन द सेंस, कभी श्रिंकेज से हो सकता है, कभी क्रीप से हो सकता है, कभी थर्मल एक्सपेंशन से हो सकता है, कभी ड्यूरेबिलिटी से हो सकता है, कभी स्ट्रेंथ से हो सकता है। मीन्स स्ट्रेंथ क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, श्रिंकेज क्या होता है, सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है। कंक्रीट के किसी न किसी एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे क्रीप के बारे में पूछ सकते हैं। अब क्रीप के बारे में, क्रीप तो पता हो लोगों को, बट उनको डिफिनीशन नहीं पता हो, तो आपको डिफिनीशन पढ़ के जाना पड़ेगा क्योंकि डिफिनीशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो क्रीप का डिफिनीशन पढ़ लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अबाउट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आप बोलोगे सर मैकेनिक्स कौन पूछता है, नहीं भाई, MNC और अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो वो दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको फोर्सेस के बारे में आता है कि नहीं, लॉ ऑफ फोर्सेस, लामीज थ्योरम, इनसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन लेके जाइए क्योंकि जरूरी हो जाता है, कभी कभी इंटरव्यूअर को कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद आपसे सोम में स्ट्रेस और स्ट्रेन जरूर पूछेगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद आपको हो सकता है कि वो स्टील में भी घुसे, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये दिमाग में रहता है कि इसको बेसिक सारे आते हैं कि नहीं, क्योंकि आप जूनियर डिजाइन इंजीनियर की प्रोफाइल पे जान रहे हैं, याद रखिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कनेक्शंस के बारे में, आपके से पूछ सकते हैं स्टील के अलग अलग सेक्शंस के बारे में, कौन कौन सा सेक्शन का क्या यूज है, ठीक है। तो मैं तो उसको भी तैयार करवा रहा हूँ कि ISMB का क्या यूज है, ISLB का क्या यूज है, चैनल सेक्शन कहाँ यूज करेंगे, एंगल सेक्शन कहाँ पर यूज करेंगे, आई सेक्शन कहाँ यूज करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, वो क्वेश्चन बन सकता है डिफ्लेक्शन के बारे में, व्हाट इज डिफ्लेक्शन एंड हाउ कैन वी फाइंड द डिफ्लेक्शन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बन सकता है BBS पे, बार बेंडिंग शेड्यूल पे, क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए, क्योंकि अगर उसको ये आता है तो उसको कटिंग लेंथ, बेंट अप बार, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें से किसी ना एक किसी पोर्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। BBS मीन्स कटिंग लेंथ पूछ ले, बेल्ट बार पूछ ले, या हो सकता है डिज़ाइन करवा ले आपसे कि इसका अगर मुझे अगर स्टील निकालना है तो किस तरीके से कॉलम में स्टील निकालेंगे, लैपिंग कहाँ पे रखेंगे, कौन सी पोजीशन लाइव लैपिंग एग्जैक्ट होती है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे तो हो नहीं सकता। इसके बाद मेंबर डिज़ाइन, मेंबर डिज़ाइन इन द सेंस दोस्तों क्या होता है, मेंबर डिज़ाइन इन द सेंस कि आपसे पूछ सकता है बीम का डिज़ाइन करके दिखाओ, कॉलम का डिज़ाइन करके दिखाओ, फुटिंग का डिज़ाइन करके दिखाओ, एक एक किसी न किसी एक मेंबर का डिज़ाइन करके आपको दिखाने के लिए बोल सकते हैं। उससे पता चल जाता है कि आपने इंजीनियरिंग किस तरीके से पढ़ी है,
अगर आपने डिजाइन कर लिया मतलब इंजीनियरिंग आपने सही से किया है, जरूरी नहीं आपने इंजीनियरिंग सही से किया है, आप डिजाइनिंग करके जाओ ना यार, डिजाइनिंग करके जाओ उसको समझ आएगा इंजीनियरिंग आपने सही से किया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंबर का डिज़ाइन किस तरीके से करोगे। उसके बाद आता है लोड्स। लोड से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है, हो सकता है आपसे पूछ सकते हैं वर्टिकल लोड कौन कौन से होते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लो कि विंड लोड का कैसे यूज करते हैं, सेस्मिक कैसे यूज करते हैं, सब लोड्स है ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है, उस लोड से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है, तो आप लोड्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। लोड के लिए कोड कौन सा यूज करते हैं, 875 पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद लोड कॉम्बिनेशन के लिए पार्ट 5 और लोड स्नो लोड के लिए लोड 4, वैसे स्नो लोड कम पूछते हैं। तो लोड से क्वेश्चन आपका बनना फिक्स है, और लोड लोड जिसको नहीं आ रहा है उसको क्या, उसको तो बिल्डिंग कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा। लोड में ऐसा नहीं, लोड में पूछ सकते हैं ये जो ब्रिक ये जो वॉल है इस वॉल को इसका वेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वॉल को लोड कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में किस तरीके से वॉल का स्लैब का लोड कैलकुलेट करते हैं और लाइव लोड किस तरीके से आप किस चीज़ का कितना होता है। 875 पार्ट 2 में सब कुछ दिया हुआ है लाइव लोड, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक टीच कर दूं ये सब टॉपिक्स तो नीचे कमेंट करना यार, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि स्पेशल मुझे अगर आपको मेरे से मिलना है तो आप मिल सकते हो, आपको मैं प्रॉपर बता सकता हूँ कि क्या क्या पूछे जाएंगे। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पार्ट 1 में कवर किया, अभी और ज़्यादा टॉपिक्स में उसको तैयार करवा रहा हूँ और उनके भी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको भी उसको शेयर करूँगा, जिससे आप भी, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं कहीं पे जाके ही पढ़ो, खुद से भी पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, और नहीं होता तो हम लोग से आप अटैच हो सकते हो, मिल सकते हो, और जैसे कि आज संडे है तो आज और जैसे सैटरडे हम लोग फ्री रहते हैं तो आप मिल लीजिए, और आपको जो जो टॉपिक्स में कन्फ्यूजन हो टॉपिक्स क्लियर कर लीजिए। सॉफ्टवेयर की मैंने बात नहीं किया है, सॉफ्टवेयर में उसको ईटैब और ऑटोकैड में सॉफ्टवेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि ईटैब्स और ऑटोकैड में क्या पूछे जा सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ, वो भी मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया है बेसिक का, पार्ट 2 अभी बचा हुआ है, मीन्स अभी और ज़्यादा अभी स्टील से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे, और स्टील के बाद आरसीसी में कुछ और टर्म्स है जैसे स्टेयरकेस है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन काट के दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद प्लान को रीड करके कैसे रीड करेंगे प्लान को, उसमें स्ट्रक्चरल प्लान है तो कैसे रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें भी है, उसको मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा ब्रीफ में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे बताइएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़, और कहीं पे किसी का भी सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स बताना, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट वहाँ पे क्या मीन्स आपको क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, कुल मिला के तैयारी करने का एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा, बाकी काम करना तो आप पे है, क्योंकि मुझे तो आता है सीएफओ बट आना आपको है, तो आपको तैयारी खुद से करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल कंटेंट, मैं आपको मेरे पास कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिनको आप देख के ही आप टॉपिक समझ सकते हो, मींस बीबीएस आपने देखा पीपीटी में और आप समझ जाओगे कि ये बीबीएस इस तरीके से निकलेगा, हनीकॉम आपने देखा आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा ये हनीकॉम होता है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कंटेंट बना रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा हेल्प हो जाता है आपका इंटरव्यू में, तो आपको भी अगर लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है तो आप कॉन्टेक्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंस अगेन।